हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो ऑफ लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। आज का वीडियो हमारा गाइड वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि भाई आज हम सिखाने वाले हैं आपको 16 डोर्स एंड 8 सीलिंग वाला बेस। यार मुझे जो है ना वो काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे, और लास्ट वीडियो से पहले भी एक कमेंट आया था कि भाई 8 डोर वाला बेस लगाना सिखा दो। तो भाई 8 डोर वाला बेस नहीं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 16 डोर वाला बेस लगाना। तो चलो यार हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को बताएंगे कि भाई आप कैसे जो है वो 8 सीलिंग लगा सकते हो और 16 डोर लगा सकते हो। तो यार अगर आप ब्लडी मूड या फिर जो है वो रैम्पेज मूड खेलते हो तो ये बेस आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बेस में ना आपको बहुत सारे डोर होंगे और आपको ये खतरा नहीं होगा कि भाई कोई भी एनिमी आपके पीछे जो है ना वो भागकर जल्दी से आपके बेस में घुस जाएगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई अभी तक जो नए बंदे हैं ना चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना भाई, ताकि तुम्हारा भाई कोई भी नई वीडियो अपलोड करे तो तुम पर नोटिफिकेशन आ जाए कि तुम्हारे भाई ने नई वीडियो अपलोड कर दी है और तुमने उसको देख कर लाइक भी करना है। तो इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो सेंटर वाला हिस्सा है भाई वो 3x3 का जो है वो बिना ग्लिच के हो गया है यहाँ पर, और इससे आगे जो है ना हम लगाने वाले हैं ग्लिच बेसिस, और जल्दी से लगाते हैं ग्लिच बेसिस। यार तरीका देख लेना कि कैसे लगानी है, तुम लोग अक्सर गलत लगा लेते हो और फिर भाई कमेंट करके बोलते हो कि ये वाली जो आपने ट्रिक बताई थी ये वर्क नहीं कर रही। तो भाई ट्रिक वर्क करती है, लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ गलती कर देते हो। तो यहाँ कोई गलती नहीं करनी, बड़े ध्यान से देखना और ये सारी जो बेसिस है ना ये लगा लेना। तो चलो बेसिस लगाते हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे क्या करना है। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. हमारी जो चारों साइड की सीलिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि भाई बहुत अच्छा ग्लिच है, यानी कि चारों साइड्स पे हम डबल डबल वॉल्स लगा सकते हैं। तो अब जो है वो हमारी बची है डोर्स वाली बात, तो अब जो है वो उसके लिए हमें हर कॉर्नर पे भाई एक बेस लगाना पड़ेगा। अब एक साइड से आपका ग्लिच जो है वो बना रहेगा, सिर्फ एक साइड से आपको बनाना है, और वो कैसे बनाना है वो भी आप ऐसे देख कर बना सकते हो। तो इसी तरीके से आपने जो है वो साइड वाले जो कॉर्नर वाले बेसिस हैं उनका भी ग्लिच लगाना है। तो अभी देख सकते हो कि जैसे मैं लगाता हूँ ऐसे ही आप लोगों ने भी सेम टू सेम लगाना है भाई, कोई भी गलती नहीं करनी इसमें, वरना आपका जो बेस है वो नहीं बनेगा।
knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. चारों कॉर्नर्स पर हमारी जो बेसिस हैं वो लग चुकी हैं और जो बाकी बेसिस थी हमारी साइड्स वाली वो भी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब जो है वो मेन बात आती है भाई पीवीपी एरिया की। अब आपका बेस हो और उसमें पीवीपी एरिया ना हो तो भाई मज़ा ही नहीं आता। तो अब जो है वो हम लगाएंगे इसमें डोर्स और बनाएंगे भाई पीवीपी एरिया चारों कॉर्नर्स पर, यानी कि किसी भी कॉर्नर से निकल कर आप किसी भी बंदे को मार सकते हो। अगर आपकी बेस के बाहर कोई बंदा आता है तो आपको ओपन में जाकर उसे फाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो भाई अब जो है वो डोर लगाना स्टार्ट करते हैं और पीवीपी एरिया बनाते हैं चारों कॉर्नर्स पर। Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. अब जब बात आती है भाई हमारी डबल सीलिंग लगाने की तो हर बंदा परेशान हो जाता है कि भाई सिंगल वॉल पे डबल सीलिंग कैसे लगेगी। तो भाई डबल सीलिंग लगाने के लिए आपको जो है वो हाफ वॉल के साथ गैबलर लगाने पड़ते हैं हाफ वाले। तो अभी जो है वो गैबलर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि भाई वो लगाना कैसे है। आपने नीचे दो गैबलर लगाने हैं और ऊपर उसके लगाना है हाफ वॉल, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे बनाना है। और सेम इसी तरीके से आपने हाफ वॉल लगानी है गैबलर के ऊपर, तो तब जाके जो है वो आपका जो एक वॉल होगा वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा और जो एक वॉल होगा वो सेम हाइट पे होगा। तो इससे जो है वो आप डबल सीलिंग लगा सकते हो। तो ऐसे ही आपने ऊपर से ऊपर जाते जाना है और आपकी हर सीलिंग जहाँ पर एक लगती है वहाँ पर आपकी दो सीलिंग लगने वाली हैं। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
अब जैसा कि एक साइड पे पीवीपी एरिया बनाया मैंने, ऐसा सेम ही भाई आप लोगों ने चारों तरफ में पीवीपी एरिया बना लेना है। और आप लोग देख सकते हो कि भाई चारों कॉर्नर्स पे हमारा जो पीवीपी एरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारे डोर्स हैं भाई वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 16 के 16 डोर जो हैं वो हमारे लग चुके हैं और जो पीवीपी एरिया है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आगे भाई हमने लगानी है सीलिंग, तो चलो जो है वो अब हम सीलिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने बड़े ध्यान से सीलिंग लगानी है, यानी कि जो पहले नीचे वाली सीलिंग है वो लगानी है, और उसके बाद जो हमने वॉल्स लगाई हैं हाफ वॉल लगा के गैबलल के ऊपर, उस पर हमने सीलिंग लगानी है। और यहाँ भाई जो हर बंदा गलती करता है ना, वो गलती मैंने जानबूझकर यहाँ पर की है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखना, हमारी जो सीलिंग्स हैं वो लग चुकी हैं, लेकिन भाई यहाँ जो है ना हमारी सीलिंग्स में आ रहा है गैप, जबकि जो हमारी सीलिंग हमने नीचे लगाई हुई है उसमें तो गैप नहीं आ रहा, तो हम जो ऊपर सीलिंग लगा रहे हैं उसमें गैप आ रहा है। तो उसमें आपने ये करना है भाई कि आपने जो गैबलल लगाने हैं वो अंदर वाली साइड पे लगाने हैं, यानी कि आपके जो दो बेस हैं, यानी कि एक बाहर वाला बेस और एक अंदर वाला बेस, तो जो अंदर वाला बेस है आपने उस पर गैबलल लगाने हैं, और जो बाहर वाला बेस है उस पर आपने सिंपल वॉल लगानी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा से, मैं ब्रेक करके और दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मैंने पहले बाहर वाली साइड पे लगाया था गैबलल और अंदर वाली साइड पे लगाई थी वॉल, तो अभी जो है वो हम अंदर वाली साइड पे गैबलल लगाएंगे और उस पर हाफ वॉल लगा के जो बाहर वाली साइड होगी उस पर हम फुल वॉल लगाएंगे, जैसे अभी मैंने लगाया है ऐसे करके। तो हम जो है वो तीनों साइड से तोड़ेंगे इन गैबलल को, और जो वॉल्स हैं वो बाहर लगाएंगे और जो गैबलल हैं वो अंदर लगाएंगे। Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.
Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay. अब इससे आगे आपने जितना भी बेस एक्सटेंड करना है उसको आपने हाफ वॉल्स में लेके जाना है, क्योंकि अगर आप हाफ वॉल्स में लेके जाओगे तो आपकी डबल डबल सीलिंग्स लगेंगी, और आपने जो एक दफ़ा हाफ वॉल्स और गैबलर लगा के थोड़ा सा रूफ को ऊपर किया है वो आपका जैसे का तैसा ऊपर जाता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप हाफ वॉल्स लगाते जाएंगे वो आपका जो गैप है वो वैसे वैसे ही ऊपर जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही सेंटर वाली हाफ वॉल लगाते हैं तो हमारा जो सेंटर वाला गैप है वो वैसे का वैसा ही है, यानी कि हमारी जो हाफ वॉल है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। देन इसी तरीके से आपने हाफ वॉल्स लगा कर सारा जो आपका बेस है उसको ऊपर लेकर जाना है, और यहाँ पर जो है हम सेकेंड वाली जो दो सीलिंग्स हैं वो लगाएंगे, यानी कि हाफ वॉल लगाकर। तो चलो जो है वो कंप्लीट करते हैं हमारी इस बेस को, और जो नेक्स्ट दो सीलिंग्स हैं वो भी लगाते हैं। I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. हमारे 16 डोर्स और 4 सीलिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी आप देख सकते हो कि भाई 4 सीलिंग्स हमारी लग चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से लगी हैं भाई। जैसे कि ग्लिच वगैरह आता है या फिर जैसे डोर ओपन करो तो बंदा डोर में अटक जाता है अगर जो है वो ग्लिच वाला बेस लगाया हो, तो वैसा भी कोई सीन नहीं है और बहुत बेहतरीन लगी है हमारी 4x4 सीलिंग्स। तो अगर आप 4 सीलिंग्स और लगाना चाहते हो तो आप इससे ऊपर जो है वो दो हाफ वॉल्स और लगाकर 4 सीलिंग्स और लगा सकते हो, तो आपकी जो 8 सीलिंग्स हैं वो हो जाएंगी कंप्लीट। तो चलो भाई रिव्यू करते हैं आप इस बेस का कि ये भाई बेस दिखता कैसा है, और इसको अपग्रेड करके देखते हैं कि भाई अपग्रेड करने के बाद ये कैसा दिखता है। तो अभी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई बेस, और अगर आप डू बंदे हो या ट्रियो में हो तो आपके लिए ये बेस यार बेस्ट है। यानी कि आराम से जो है वो लूट वगैरह भी आप इसमें रख सकते हो काफ़ी सारी, यानी कि काफ़ी सारे बॉक्सेस वगैरह आप इसमें रख सकते हो, और उसके बाद जो है आपके पास तब भी जो है वो काफ़ी सारी स्पेस अभी बच जाएगी। तो चलो इसको अपग्रेड करके दोबारा चेक करते हैं कि भाई अपग्रेड होने के बाद कैसा लगता है ये बेस। अभी हम सोशल सर्वर में हैं तो चलो भाई इसको स्टील में ही अपग्रेड कर देते हैं और फिर जाके देखते हैं कि भाई कैसा लग रहा है हमारा बेस जो हमने बनाया है। तो देखो भाई कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, आप आराम से जो है वो स्लीपिंग बैग्स वगैरह या फिर जो है वो जितने भी चेस्ट रखना चाहो रख सकते हो, और भाई सिक्योर भी है। देखो इतना बड़ा बेस बनाना पड़ता है अगर आपको 4 सीलिंग्स या फिर इतने सारे डोर्स लगाने हों तो उसके लिए, लेकिन भाई यहाँ तो देखो
हमने सिर्फ 3x3 के जो बेस था उस पर ही इतने सारे डोर्स और इतनी सारी सीलिंग्स लगा दी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखो, देखने में भी भाई अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रो बंदे ने बेस बनाया हुआ हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई कमेंट करना मत भूलना कि ये बेस आपको कैसा लगा है।